हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना शिव मोर। आज काफ़ी दिन बाद में काफ़ी कमाल की अपडेट्स लेके आया हूं, जट प्रभजोत पाजी के रिलेटेड, आमिर माजिद के रिलेटेड और अपने फेवरेट सबके फेवरेट बाबू भैया यानी कि UK07 के रिलेटेड। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। तो अभी की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, जैसे कि आप सबको पता है कि जट प्रभजोत पाजी का लगभग 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था कावासाकी की H2 पे, न्यू H2 थी, और उनके दोनों टांगों पे फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर के बाद उनका सर्जरी वगैरह हुई, उसके बाद वो ICU में रहे। तो फिलहाल उनकी जान तो ठीक है, बट टांगों में अभी तक मतलब आप समझ सकते हैं फ्रैक्चर के बाद जो प्लास्टर टाइप का होता है वो सब लगा हुआ है, और बाकी कोई अपडेट नहीं आई है। वो हॉस्पिटल में ही है नेपाल में। हाँ, बाकी उनकी जान वगैरह ठीक है। तो उनके रिलेटेड एक खुशखबरी भी, एक बुरी खबर भी। एक खुशखबरी ये है कि जट प्रभजोत पाजी के 30 लाख सब्सक्राइबर्स यानी कि 3 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा था कि जब नेपाल राइड से वापस आएंगे तब तक उनके 3 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे, बट हुआ ऐसा कैसे? सब सबको पता है कि काफ़ी गलत हुआ, एक्सीडेंट हो गया उनका। और जो बुरी खबर है ना, जट प्रभजोत पाजी की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर एक केस हो चुका है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना है कि जब वो ओवर स्पीडिंग थे और उनने क्या करा, एक ओल्ड मैन को, लगभग 79 ईयर्स का एक बूढ़ा आदमी था जिसके साथ उन्हें हिट करा और उस आदमी की डेथ हो गई है। तो उस वजह से जट प्रभजोत पाजी पे लोगों ने केस भी कर दिया है। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अब उनको। अभी तो उनकी हेल्थ ठीक ही नहीं है क्योंकि उनके दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया था, बट ये सोच सकते हैं आपकी जिसको हिट करा है उसकी डेथ होगी। अभी ये बात कंफर्म नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा है, और कहा ये भी माना जा रहा है कि उन पर केस भी हो चुका है कि उन्होंने एक आदमी को जो कि ओल्ड सिटीजन थे उनको हिट करा है और उस आदमी की डेथ होगी। तो आप सोच सकते हो, और ऊपर से वो भी नेपाल में, इंडिया में होते तो कुछ ना कुछ संभाल देते, कुछ ना कुछ कर देते, बट वो दूसरी कंट्री है तो मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कुछ CCTV फुटेज वगैरह भी निकाली थी जब वो पहले राइड कर रहे थे, लोगों ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थे, बट क्या सच है वो कुछ टाइम बाद पता लग जाएगा। बट आई हम सब होप करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी फिर से राइड करे, बिल्कुल ठीक हो जाए और ऐसा कुछ ना हो। दूसरी बड़ी अपडेट लेके आया हूँ मैं आमिर माजिद के। आमिर माजिद का जल्दी ही मीटअप देखने को मिल सकता है लगभग एक हफ्ते के बाद, जो कि श्रीनगर कश्मीर में। कश्मीर में तक उनका मीटअप हुआ नहीं है, तो पहला मीटअप हो सकता है ये ग्रैंड वाला जो कि कश्मीर में होगा, और वो अपनी Z1000 दिल्ली से लेकर जम्मू में आ चुके हैं। बाइक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल की, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और हो सकता है कश्मीर से पहले एक छोटा सा मीटअप जम्मू में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि Z1000 आई है मॉन्स्टर। तो बाइक काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कुछ टाइम बाद हो सकता है इसको भी मॉडिफाई करते हैं, वो रैप वगैरह रैपिंग करवाएं, इसको स्टिकर वगैरह लगाएं। अभी भी बाइक इसके बिना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और इसका एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो अगर आप कश्मीर से हैं तो आप मीटअप में जा सकते हैं। अभी मीटअप का वेन्यू वगैरह कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, थोड़े टाइम बाद मीटअप होगा, हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बाकी आमिर भाई को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स उनकी नई बाइक के लिए। वहीं पे अब सबसे लास्ट में बात करते हैं UK07 राइडर यानी कि बाबू भैया की। बाबू भैया का जैसे मैंने पहले बताया था कि ओडिशा टूर पर जाएंगे, और उनका ओडिशा वाली ट्रिप पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और ट्रिप काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, काफ़ी ज़्यादा फन और ट्विस्ट रहे ट्रिप में। छोटा मोटा उनका झगड़ा भी हो गया था एक गाड़ी वाले से, सेंट्रो वाले से, बट बाकी सब सब कुछ ठीक है। अब वो सेफली घर पहुंच चुके हैं, जो कि उनके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। और एक और जो उनके फैंस के लिए खबर है कि हो सकता है 10-15 दिन बाद वो त्रिपुरा आ जाएं, वहाँ पे मीटअप करें और अपने फैंस से मिले। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग जब वापस आ रहे थे अपने घर को, उत्तराखंड को, तो झारखंड में काफ़ी ज़्यादा उनके फैंस मिल गए उनको। हालांकि प्लान नहीं था कि उन्हें किसी को बताया नहीं था, फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाले वहाँ पे उनको मिल गए। और साथ में जो बड़ी अपडेट ये है कि UK07 राइडर जल्दी ही मिनी कूपर लेने वाले हैं, तो उसमें अपना फेवरेट एग्जॉस्ट लगाएंगे, और जल्दी ही UK07 राइडर बाबू भैया की मिनी कूपर आने वाली है, न्यू मिनी कूपर। तो गाइज यही सब था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।